धार्मिक नगरी अजमेर एक बार फिर शर्मसार हो गई है। गुजरात से अजमेर आई युवती से कुछ युवकों ने बुधवार रात गैंगरेप किया। युवती गुरुवार सुबह एक मकान में अचेतावस्था में मिली। मकान मालिक ने उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। रामगंज थाना पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने मकान में किरायेदार के कमरे में अचेत मिली युवती को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। होश में आई युवती ने खुद को गुजरात के पालनपुर की होना बताते हुए गैंगरेप की जानकारी दी। गैंगरेप की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रामगंज थाना प्रभारी गोमाराम तुरंत अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दुष्कर्म संबंधित मेडिकल मुआयना करवाया। पीड़िता ने बताया कि वह गुजरात पालनपुर से दरगाह जियारत करने आई थी। कल रात को उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। वह उसको घुमाने के लिए सुभाष नगर अपने कमरे पर ले गया, जहां पहले से मौजूद 3-4 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक महिला है जो सुबह जवाहरलाल हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में एडमिट हुई थी। उससे पूछताछ की गई तो सामने आया कि गुजरात की रहने वाली है, कल अजमेर आई थी और शाम को किसी लड़के के साथ में सुभाष नगर में गई थी। सुभाष नगर में एक मकान में लेके गया, वहाँ करीब 6-7 लड़के थे। उन्होंने इसके साथ में इसका ये कहना है कि मेरे साथ रेप किया और उसके कुछ पैसे और चेन थी वो भी उन्होंने रख ली। इसका मेडिकल मुआयना करवा के प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बयान में क्या बता रही, कौन है व्यक्ति वो? ये तो बाय नेम किसी को नहीं जानती। यहाँ होटल से कोई लड़का है जो उसको गाड़ी में साथ लेके गया था। ये उनके संपर्क में कैसे आ गई सर कि गुजरात की है, लड़के अजमेर के हैं? अब इस संबंध में अभी ये कुछ नहीं बताया, इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी अभी करेंगे, आरोपी प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। हम सामूहिक स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।